ये बिल्कुल ही एकतरफा निष्कर्ष है, पर संभव है। ये एक संभावना है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। जीनियस यानी जीनियस शब्द जेनेसिस से बना है। जेनो का मतलब है सृजन या रचनात्मकता या सृष्टि का स्रोत। तो जीनियस का मतलब है कि उसने सृष्टि के स्रोत को जाने या अनजाने में छू लिया है। या तो आप चेतन होकर जीनियस होने की ओर बढ़ सकते हैं, या अचेतन ही जीनियस बन सकते हैं। जब मैं अचेतन ही जीनियस बनने की बात करता हूं, तो आप बीथोवेन का नाम ले सकते हैं। वो एक अचेतन जीनियस हैं। उन्हें नहीं पता है कि वो एक संगीतकार क्यों हैं, लेकिन वो हैं। वो सुन नहीं पाते, लेकिन फिर भी संगीत उनमें बहता है, क्योंकि अपनी बहुत अच्छी आवाज की वजह से आप संगीतकार नहीं बनते। आप अपनी सुनने की असाधारण क्षमता की वजह से संगीतकार बनते हैं। तो कोई व्यक्ति जो कि सुन भी नहीं सकता, अगर संगीतकार बनता है तो वो एक अचेतन जीनियस है। हो सकता है कि वो सामान्य ध्वनियां न सुन पाए हों, इसीलिए उन्होंने किसी और चीज पर ध्यान दिया हो। आपने योगियों को बात करते सुना होगा, कैसे अगर आप ध्यान में जाते हैं तो आपको पहले एक घंटी की आवाज सुनाई देगी, फिर एक वीणा की सुनाई देगी, फिर आपको कुछ और सुनाई देगा, कोई और संगीत। आपने सुनी होंगी ना ये कहानियां। तो हर चीज पता है ना, वो बहरे थे, वो बाहर की कोई भी आवाज नहीं सुन सकते थे, तो शायद उन्होंने कुछ और सुनना शुरू कर दिया और ध्वनियां खुद को रूपों में बदलने लगी, कोई भी रूप हो, और वो एक महान संगीतकार बन गए। तो संभवतः ये एक अचेतन जीनियस है। हम कोई फैसला नहीं कर सकते, पर यह मुमकिन है, लेकिन आप ये बिल्कुल नहीं जानते। हो सकता है कि वो जागरूक रहे हों, लेकिन यूरोप में होने के कारण वो ऐसी चीजें बोल न सके हों। तो हो सकता है कि वो संगीत तो बाहर निकालते रहे, लेकिन इसके बारे में कभी भी बोल नहीं सके, क्योंकि किसी खास समाज में यह सब बोलने की मनाही थी। अगर वो भारत में होते तो जो कुछ भी चाहते सब बोल सकते थे, क्योंकि यहां सुरक्षा का जाल था। नहीं, ये बहुत जरूरी है। अगर आध्यात्मिक आयामों को समाज में सचमुच ऊंचा उठाना है, तो इसकी स्वतंत्रता वहां होनी चाहिए। इससे वहां पागल भी आएंगे, दीवाने भी आएंगे, लेकिन ज्ञानी लोग भी उभर कर आएंगे। आपने गणितज्ञ रामानुजन के बारे में तो सुना होगा। उन्होंने अपनी मृत्यु शैया पर एक थ्योरम लिखी। उसके पहले वो कई लिख चुके थे, लेकिन उन्होंने अपनी मृत्यु शैया पर भी एक थ्योरम लिखी। मुझे लगता है कि 100 साल बाद 2010 में वो ये पता लगा पाए कि ये थ्योरम ब्रह्मांड में ब्लैक होल को बयां करती है। सौ साल पहले, जबकि ब्लैक होल की संकल्पना का वैज्ञानिक समुदाय में अस्तित्व भी नहीं था, लेकिन उन्होंने ब्लैक होल की गणितीय परिकल्पना तैयार कर दी। ब्लैक होल को गणित में बयां कर दिया गया, क्योंकि जब भी आप कोई थ्योरी बनाते हैं, अगर आपके पास उसका गणितीय आधार नहीं है तो वो थ्योरी नकार दी जाती है। लेकिन अभी उनके पास कोई थ्योरी नहीं थी, उन्होंने बस गणितीय आधार तैयार कर दिया और कहा, मुझे नहीं पता कि ये क्या है, मेरी देवी ने मुझे ये दिया है। जैसे कि ईशा योग केंद्र में हमारे पास लिंग भैरवी है, इसी तरह कुछ देवी देवता सृष्टि में एक प्रतिष्ठित खिड़की की तरह होते हैं। इसलिए ये सभी देवी देवता असल में एक असीम संभावना का दरवाजा होते हैं। अगर आपको ये पता हो कि दरवाजा कैसे खोलना है, तो आपके लिए ये एक असीम संभावना बन जाता है। उनके लिए वो सब गणित बन गया, किसी दूसरे व्यक्ति के लिए वो संगीत बन गया होगा, वहीं किसी और के लिए ये कुछ और बन जाता है। या अगर आप सचेतन इसकी ओर बढ़ रहे हैं, आप जो कुछ भी चाहें वो आप इसे बना सकते हैं। अचेतन अगर आप वहां पहुंचते हैं, तो ये ब्रह्मांड का एक आयाम बन सकता है। तो गणित की खोज आपके क्लासरूम में नहीं हुई है। अपने गणित के टीचर को मत कोसिए, ये तो ब्रह्मांड की प्रकृति है। इस ब्रह्मांड की प्रकृति को इंसानी अनुभव में ले आने का यही एकमात्र तरीका है, और इसे समझदारी से करने का एक प्रभावशाली तरीका गणित है। शब्द बिल्कुल व्यर्थ हैं। The only efficient way to do it is to imbibe the universe as a part of yourself.
That's what yoga means. Yoga means. इसे करने का एकमात्र सफल तरीका ये है कि इस ब्रह्मांड को आप अपने एक हिस्से के रूप में आत्मसात कर लें। यही तो योग का मतलब है। योग यानी ये एक हो चुका है, हर चीज एक संयोजन में है। इसे सही अर्थों में जानने का यही एकमात्र तरीका है। यही मायनों में इसकी व्याख्या करने का गणित एक अच्छा तरीका है। तो किसी के अंदर जीनियस कई वजहों से आ सकती है, लेकिन उसके लिए ये जरूरी नहीं है कि रामानुजन अपने पिछले जन्म में एक गणितज्ञ रहे हों या बीथोविन एक संगीतकार रहे हों। ये जरूरी नहीं है। हो सकता है वो कुछ और रहे हों। निस्संदेह वो किसी चीज की वजह से ऐसे थे, ठीक है। निश्चित रूप से वो अपने भीतर एक विकास की अवस्था में थे जो इस जीवन में संगीत या गणित या किसी और चीज के रूप में प्रकट हुआ है, लेकिन ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि वो संगीतकार या गणितज्ञ रहे होंगे। बस इतना है कि उन्होंने किसी तरह वो खिड़की या दरवाजा खोल लिया, इसी वजह से उनके लिए जीवन का एक आयाम सहज ही स्पष्ट हो गया।